9:06 हो रहे हैं। देश और दुनिया की सारी बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें आपने फटाफट नाज में देख ली और अब वक्त है उनके पीछे की खबर जो छिपी हुई है मास्टर स्ट्रोक के जरिए आप तक पहुंचाने का। चुनाव से पहले मोदी सरकार ने राम मंदिर पर एक बड़ा दांव खेल दिया है। आज सबकी नजर इसी दांव पर थी और यही मास्टर स्ट्रोक है जिसका जिक्र करना है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालकर अयोध्या में विवादित जमीन के आसपास की जो गैर विवादित जमीन है उसके मालिकों को लौटाने की इजाजत मांग दी है। मतलब ये कि सरकार चाहती है कि उस गैर विवादित जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण किया जा सके, यानी मंदिर के रास्ते पर मोदी। जाहिर है चुनाव से पहले ये कदम उठाकर बीजेपी अपने वोटरों को ये संदेश, ये मैसेज देना चाहती है कि वो राम मंदिर निर्माण को लेकर बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर है। लेकिन सवाल है, सवाल ये कि क्या सरकार का ये दाव इस बार आप सभी पर यानी वोटर्स पर काम करेगा? जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिस राम नाम ने बीजेपी को पहली बार सत्ता का स्वाद चखाया वो राम नाम फिर गूंज रहा है। अयोध्या में मंदिर निर्माण का मुद्दा अभी इसलिए भी गर्म है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पर अंतिम सुनवाई शुरू करने वाला है। लेकिन पिछले एक महीने में जैसे इस केस को लेकर सिर्फ तारीखें मिलती रही उससे माहौल और गर्म हो गया है। साधु संतों से लेकर तमाम हिंदूवादी संगठन मंदिर निर्माण में हो रही देरी के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार मान रही है। ऐसे में मोदी सरकार ने एक बार फिर रामबाण चल दिया है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार ने अपनी अर्जी में कहा है 1993 में केंद्र सरकार ने जिस 67.7 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था उनमें से 0.313 एकड़ की विवादित जमीन को छोड़कर बाकी जमीन वो उसके मूल मालिकों को लौटाना चाहती है, उसे इसकी इजाजत दी जाए और इसके लिए कोर्ट पूरी जमीन पर यथा स्थिति बरकरार रखने यानी वहां कोई निर्माण न करने के अपने आदेश को वापस ले ली। आज केंद्र सरकार 25 साल बाद ये कह रही है कि जो एक्सक्लूशन एक्ट की जो एक्सेस लैंड है उसको रिलीज किया जाए और यहाँ पे जो 1200 स्क्वायर फीट की लड़ाई चल रही है वो जारी रहे और मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से दायर अर्जी से एक नया पेच पैदा हो गया है। अभी तक विवादित जमीन 2.77 एकड़ मानी जाती रही है। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसी 2.77 एकड़ जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला दिया था। अब केंद्र सरकार कह रही है कि विवादित जमीन केवल 0.313 एकड़ है। ये 0.313 एकड़ दरअसल वो हिस्सा माना जा रहा है जहां 1992 से पहले विवादित ढांचा हुआ करता था, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस 2.77 एकड़ जमीन पर फैसला दिया उसमें विवादित स्थल के आसपास राम चबूतरा और सीता रसोई वाला हिस्सा भी है, जबकि इसी परिसर के चारों तरफ वो 67.7 एकड़ जमीन भी है जो विवादित नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने वहां किसी भी निर्माण पर रोक लगा रखा है। पूरे परिसर में जो इलाका है इसमें विवादित स्थल क्या है और बाकी का जगह क्या है वो हम दिखाने के लिए इसमें अयोध्या में मौजूद है। अयोध्या में आप देख सकते हैं ये वो परिसर है, राम जन्मभूमि परिसर जो 70 एकड़ अधिग्रहित किया गया था 1993 में, कि जिसमें 2.77 एकड़ विवादित जमीन है जिस पर मालिकाना हक को लेकर के विवाद चल रहा है। कि बाकी जो जमीन है 67 एकड़ जमीन उसकी मांग की है केंद्र सरकार ने, जो कि आप देख सकते हैं इस परिसर के अंदर में ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम है और किस तरीके से डिवाइडर यहाँ पर लगाए गए हैं। अयोध्या की 67.7 एकड़ विवादित जमीन का अधिग्रहण 1993 में नरसिंह राव की सरकार ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस जमीन पर किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी। 2003 में असलम भूरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयोध्या मामले पर सुनवाई पूरी होने तक सरकार ये जमीन किसी को नहीं दे सकती। वजह ये थी कि कल को जब आखिरी फैसला हो जाए मुकदमे का, वो विवादित जमीन किसकी है ये तय हो जाए, तब कहीं ऐसा ना हो कि उसके चारों तरफ की भूमि पर कोई निर्माण हो चुका हो और जिसे वो जमीन मिले वो वहां तक पहुंच ही ना पाए। यानी कि मान लीजिए कि मुस्लिम पक्ष ये मुकदमा जीत जाता है और कोर्ट उनके दावे को मान लेता है कि वो जगह मस्जिद की जगह थी, तब अगर
चारों तरफ हिंदू निर्माण कर चुके होंगे मंदिर का, तो मुसलमान कैसे उस जगह तक जा पाएंगे। तो ये मंशा थी कोर्ट की सारी जमीन पर किसी भी तरह की गतिविधि रोकने के पीछे। केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम ऑलरेडी एक मैप ऐसा तैयार कर रहे हैं, जो 1200 स्क्वायर फीट की लड़ाई जीतेगा उसके लिए अप्रोच रोड हम छोड़ के बाकी एक्सेस लैंड उस मंदिर, धर्मशाला और मठों को दे रहे हैं। ये बहुत ही वेलकम मूव है और ये न्याय संवत है, ये लीगली पॉसिबल है। राम जन्मभूमि न्यास ने एप्लीकेशन किया है 2003 के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट के तहत, उसमें सरकार ने अब तक अपना पक्ष नहीं दिया था क्योंकि 2004 से 14 तक कांग्रेस की राज था और कांग्रेस ने कभी इस मांग को सपोर्ट नहीं किया। मोदी सरकार है कि जिन्होंने आज ये अप्रूवल एक तरह से इन प्रिंसिपल दिया है। कुल मिलाकर बीजेपी और केंद्र सरकार की ये कोशिश सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि अब विवादित स्थल के चारों तरफ मंदिर निर्माण का काम शुरू हो सकता है, क्योंकि 67.7 एकड़ जमीन में से करीब 42 एकड़ राम जन्मभूमि न्यास की है और बाकी जमीन भी हिंदू पक्षकारों की ही है। लेकिन मुस्लिम पक्ष केंद्र सरकार की अर्जी पर ही सवाल उठा रहा है। ये भी नहीं देखा भारत सरकार ने कि असलम बुरे मर चुके हैं, उनके वकील मर चुके हैं, अब ये पिटीशन जागेगी कैसे? दरखास्त इन्होंने लगा दी बिना सोचे समझे। ऐसे मामलों में रजिस्ट्री इसको रजिस्टर ही नहीं करती है, ऑर्डर मॉडिफिकेशन का चाहते हैं। मॉडिफिकेशन का अर्थ है रिव्यू, रिव्यू 16 साल बाद बिना ये कहते हुए कि हमको देरी क्यों हुई। पहले नोटिस तो सरकार करेगी, किसको करेगी गवर्नमेंट कोर्ट नोटिस? देखिए ये बिल्कुल ही बेसलेस दरखास्त है। असलम भूरे केस में 5 जजों ने ये कहा कि 67 एकर्स लैंड को आप डिवाइड नहीं कर सकते और उसको डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन से पहले आप उसको किसी को नहीं दे सकते। ये सब ऑर्डर्स के बावजूद ये दरखास्त ये लोग फाइल कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन से सिर्फ पॉलिटिक्स के और कुछ मुझे समझ में नहीं आता। यानी कुल मिलाकर ये मामला उतना सीधा नहीं है जैसा दिखाने की कोशिश हो रही है। हो सकता है कि सरकार की इस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट अभी एक किनारे रख दे और कहे कि हमको मुख्य विवाद पर सुनवाई करनी है। सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर विचार भी करता है तब भी वो सभी पक्षों को नोटिस जारी करेगा, उनकी राय सुनेगा और उसके बाद एक फैसला देगा। यानी कि इस अर्जी का असर ये कतई नहीं है कि कल को वहां पर तुरंत निर्माण शुरू हो सकता है। अगर इस अर्जी पर विचार करता भी है सुप्रीम कोर्ट तब भी अभी कुछ महीनों का वक्त इस बारे में लग जाएगा। तो निपुण सहगल को अगर आपने कायदे से और ध्यान से सुना होगा तो ये कहना चाह रहे हैं कि अयोध्या विवाद की तरह केंद्र सरकार की अर्जी भी फिलहाल तारीखों में ही अपना सफर तय करेगी, लेकिन जब चुनाव में सिर्फ 68 दिन बाकी हो तो इस मामले को लटकाना भी तो चुनावी मुद्दा बनेगा। और बीजेपी ये जताने की पूरी कोशिश करेगी कि वो मंदिर बनाना चाहती है लेकिन अदालत के आगे कहीं ना कहीं मजबूर है। लेकिन सवाल फिर भी रहता है, सवाल ये रहता है कि अगर बीजेपी को यही करना था, कुछ रद्दो बदल तो हुआ नहीं है, स्थिति सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल वैसे के वैसे हैं, तो फिर इतना लंबा इंतजार क्यों किया? आखिर क्यों 4.5 साल तक चुप रहने के बाद एन चुनाव के वक्त ये कदम उठाया जाता है? हम केंद्र सरकार के इस पहल का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो आगे क्या होता है उसको देखते रहिए। आप ये भरोसा रखिए कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण जरूर होगा। इससे भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए रास्ते खुल जाएंगे, ये हमें मानना है। अभी अदालत में अर्जी मंजूर भी नहीं हुई कि बीजेपी ने मंदिर का ढोल पीटना शुरू कर दिया है। गैर विवादित जमीन पर निर्माण की इजाजत मांगकर केंद्र सरकार ने उस गुस्से को शांत करने की कोशिश की है जो उसके खिलाफ बढ़ रहा था। साधु संतों से लेकर VHP और RSS तक अयोध्या पर केंद्र सरकार के रुख से संतुष्ट नहीं थे। अब बीजेपी ने अपने इस दाव से सबको साथ दिया है। फिलहाल सरकार की पहल अच्छी है, अब मामला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, वो करती नहीं करती उसके ऊपर है। सरकार ने काम किया अपना, ये बात सही है, थोड़ा विलम्ब किया। मुकदमे का निर्णय दिख नहीं रहा है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट से उसके ऑर्डर में मॉडिफिकेशन मांगना और ये कहना कि जो 42 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि न्यास की है वो वापस कर दी जाए एक अच्छा कदम है। पर हम जरूर चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस एप्लीकेशन को भी जल्दी सुन के फैसला करे और अपीलों को भी जल्दी सुनकर फैसला करे। हालांकि संतों का एक धड़ा इसके बाद भी सरकार से नाराज है।
अयोध्या राम मंदिर मामले के पक्षकार और हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत धर्मदास ने आरोप लगाया कि सरकार ने सिर्फ चुनावी फायदे के लिए ये याचिका दायर की है। पहले मंदिर निर्माण होता है, उसके बाद में उसके ढांचा निर्माण होता है कि पहले ढांचा निर्माण कर लोगे, पहले रहने की व्यवस्था कर लोगे, तब मंदिर के नक्शा बनाओगे, मंदिर बनाओगे। यह सब एक व्यापार के केंद्र खोलना चाहता है विष्णु प्रसाद त्रिलोकी। बीजेपी सरकार उन लोगों के दबाव में आकर के निर्णय लिया है। किसके? बीएचपी के। बीएचपी के। अविवादित भूमि पर मंदिर बनाने के लिए थोड़े इतना बड़ा आंदोलन हुआ है। वो जो जमीन है जिस पर विवाद उत्पन्न किया गया है वो हिंदुओं की है और उसी पर मंदिर बने, इसी के लिए सारा उपक्रम है। तो ये जो केंद्र की सरकार है ये चाहती है कि बगल में मंदिर बना दिया जाए और चढ़ोतरी शुरू करवा दी जाए और चीजें जहां की तहां रह जाएं। तो ये बहुत बड़ी बहुत बड़ा छल है। हालांकि मोदी सरकार का ये कदम विपक्ष के लिए किसी गुगली से कम नहीं था। सबको पता है कि मंदिर पर अगर भावनाओं का ज्वार भड़का तो वोट किधर जाएंगे। इसीलिए तमाम विपक्षी दल एक सुर में सरकार की याचिका को धोखा बताने में जुट गए हैं। क्यों 16 साल बाद आज ये शुभ अवसर आया, ये तो प्रश्न उठना चाहिए। ये दरखास्त लगाना ही लोगों को छलना है, धोखा देना है। विरोधी कुछ भी कहें पर बीजेपी को फिलहाल इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि मोदी का ये राम बाण अपने निशाने पर लगता दिख रहा है। एक तरफ तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार तो राम जन्मभूमि न्यास को गैर विवादित जमीन देने का फैसला पहले ही कर चुकी है और अब बस सुप्रीम कोर्ट की अनुमति का इंतजार है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलेगी जमीन राम जन्मभूमि न्यास के पास चली जाएगी और उसके बाद उस जमीन पर राम जन्मभूमि न्यास जो चाहे वो कर सकता है। इस देश में हमने और आपने मंदिर के नाम पर, प्रभु राम के नाम पर बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है समस्या, कुछ नहीं मिला है तो वो है समस्या का हल। मास्टर स्ट्रोक आपके लिए है, आप वोटर्स के लिए है। पढ़िए इसे और रट लीजिए, मन में बसा लीजिए। मंदिर आज भी बहाना है, सत्ता का प्रसाद खाना है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।